हाँ इस समय बात की होती है सर। सर केंद्रीय विशेषता ये है कि मतलब एक और मान्यता है, ये तो सर बात की विशेषता ही है। भारतीय संघ बात की विशेषता भारतीय संघवाद की ऐसी विशेषता बता दो कि जो दुनिया के अन्य किसी संघ वाली देश नहीं है। सर यहाँ पर मतलब संघ और राज्य दोनों के बीच संख्या बची हुई है पर ज्यादातर इधर के सामने के लिए लोग को गिर रहे नहीं लगते हैं ग्रामीण से। ये सारी विशेषताएं सच बात है। भारतीय संघवाद की तीन विशेषताएं ऐसी हैं दुनिया के अन्य किसी संघवादी देश में नहीं। पहला विकारी नागरिक के लिए, दूसरा संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान का नियम है, जितने भी संघ वाले देश हैं सबके लिए संघ का केंद्र का संविधान अलग और उसकी इकाइयों के लिए जिसको राज्य बोलो कैंटन बोलो जिस शब्द से तुम बोलना चाहो बोल सकते हो उसको इकाई है उसके लिए संविधान है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ संघीय व्यवस्था है और संघ के लिए यानी सेंटर के लिए और राज्य के लिए एक ही संविधान है। वहीं से दोनों शक्तियाँ शक्तियों का विभाजन तो है हमारे पास लेकिन दोनों शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा है एक ही संघ। और आप लोग का किस प्रधान बड़ा कंट्रोवर्सियल हो जाता है कभी कभी। अब भी मुद्दा आया वन नेशन वन इलेक्शन का तमाम आर्टिकल्स आने लगे कि संघवाद पे हमला है संघवाद को चुनौती है। क्या मुद्दा है संघवाद ऐसा क्या है? हमेशा केंद्र से डरती रहती है राज्य सरकारें कि ये हमारे संघवाद को कहीं समाप्त ना करें। एक तो संविधान में ऐसा कार्य किया गया है कि केंद्र ज्यादा मजबूत है और दूसरा कहीं वो अपने कार्यों से जो थोड़ी बहुत शक्तियाँ संघों को प्राप्त है राज्यों को प्राप्त। तो क्या संभव है कि संघवादी हो सकता है पर अभी नहीं। अच्छा ऐसा संभव नहीं। क्या क्या संभावनाएं दिख रही है तुमको कि तुम्हें कैसे लगता है कि संघवादी व्यवस्था समाप्त हो सकती है भारत में कुछ दो तीन अंतरों में सरकार के कहा ना लेकिन हो सकता है। यस सर हो। तो कैसे लगा तो तुम्हें कैसे लगा कि हो सकता है? हम कुछ नहीं बोला तो नहीं बोला ना कि सर ऐसा हो सकता है फेडरल सिस्टम कमजोर हो सकता है। सर अगर ऐसा हो तो मतलब कैसे हो सकता है? जो सुनिए देखा होगा जो सोच रही वही है। मैं सिर्फ तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ। ऐसा संभव इसलिए है कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों पर टीवी इनकम टैक्स इस तरह की चीजें और अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। जब एक साथ सभी राज्यों का चुनाव होगा तो दिक्कत ये होगी कि जो फेडरल सिस्टम क्या काम करता है जो राज्यों के ऑटोनॉमी एक साथ सबका चुनाव हमने करा दी। अब क्या होगा कि जनता जब वोट देने जाएगी तो वो किसी जनता के मन में ये होगा कि जो नेशनल पार्टी है उसी को हम रीजनल लेवल के लिए और जो रीजनल पार्टी जिस दिन खत्म हो जाएंगी भारत से वो जो फेडरल स्ट्रक्चर लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। ये तो करना चाह रहे हैं और यही चाह रहा हूँ यही तुमको भी लगा कि तुमने बोला कि हो सकता है। और जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक ही सरकार होगी जैसे बीजेपी की सरकार तो तुम्हें कभी कभी मान लो कि यूपी का सीएम बहुत पावरफुल है तो वो अपना प्रेजेंट दिखा पाते हैं बाकी राज्यों में तो पता नहीं है।